हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके फोन में अलार्म नहीं बज रहा है, अलार्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपने फोन की यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है। ये रही सेटिंग्स, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं मोर सेटिंग्स में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। अगर आपका एप्लीकेशन मैनेजर सामने ही है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाइए। अभी लोडिंग हो रहा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की क्लॉक की एप्लीकेशन में चले जाना है। अगर आपके फ़ोन में अलार्म की एप्लीकेशन अलग से सामने है तो आप अलार्म की एप्लीकेशन में चले जाइएगा, लेकिन मेरे फ़ोन में क्लॉक है तो क्लॉक में चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बार फोर स्टॉप पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और स्टोरेज में यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्लियर कैचे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेफिक्र होके क्लियर डेटा कर लेना है, इससे मेरा कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर परमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सारी परमिशन इनेबल कर लेनी है। अगर आपके फ़ोन में सारी इनेबल है तो एक बार डिसेबल कर दीजिए और वापस इनेबल कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप पूरी तरीके से बैक आ जाइए और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके अपने फ़ोन को यहाँ पे रिबूट कर लीजिए और देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।